अल्लाह ने सब के लिए अपने महबूब को रहमत बना के भेजा। आज रहमत के बयान इंशाल्लाह आप महसूस करेंगे कि महफिल पे भी और दिल की दुनिया पर हुजूर ने सलाम की रहमत की बारिश छम छम बरस रही। जौक वैसे बड़ा दीदनी है, इसमें कमी नहीं, लेकिन एक बात है, जिन लोगों की उम्र 40 साल से ऊपर ऊपर है, ये झूमना, हजूर का नाम सुनना, रोना, ये उन्हीं को नसीब है। अब जो बच्चे जवान हो रहे हैं उनमें ये कैफियत नहीं है। क्यों? दिन मुर्दा हो गए हैं इसको देख देख के, हर वक्त फेसबुक यूट्यूब देख देख के दिल मुर्दा हो गए। इन बच्चों को नहीं पता झूमना कैसे है, नाम कैसे देना है, रोना कैसे है, क्योंकि ये महफिलें आबाद हो गई हैं। जिक्र अज़कार, रोना धोना, ये महफिलें वीरान हो गई। जरूरत है, आज से 20-25 साल पहले जो कल्चर था कि बच्चों को इकट्ठा करना, जवानों को इकट्ठा करना, वो की ज़र्बें, अल्लाह का जिक्र, हुज़ूर इस्लाम का दुरूद पाक, फिर रोना तड़पना, जरूरत है उन चिरागों को दोबारा जलाया जाए। नौजवान इस पे गौर करें। इसलिए अल्लामा इकबाल ने फरमाया, मुझे डर है दिल जिंदा तू मर न जाए, जिंदगी इबारत है तेरे जीने से। दिल जिंदा तो जिंदगी है, दिल मुर्दा तो जिंदगी नहीं, बेशक चलते फिरते आए हुजूर के जिक्र के साथ दिल को जिंदा करते। अल्लाह ने फरमाया, मेरे महबूब आपको सब जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। शुरू में ही एक उसूल सुने, उसके साथ आगे गुफ्तगू को आगे बढ़ाते। कायनात में जितनी चीजें हैं वो सब चीजें हजरत इंसान की खिदमत पर मामूल है। आप तजिया कर लें, इंसान को छोड़ के जितनी चीजें हैं सब इंसान के लिए पैदा की, ना तो जमीन के लिए, आसमान के लिए। आगे क्या है? जहां है तेरे, जहां है तेरे लिए, तू नहीं जहां के लिए। वाह वाह, सब चीजें इंसान की खिदमत पर मामूल है। जिन जिन चीजों की इंसान को जरूरत थी, अल्लाह पाक ने उन चीजों को इंसान के लिए पैदा किया। जितनी कितनी जरूरत थी उतना उतना पैदा किया। इंसान जिस जिस शय का मोहताज है उसकी मोहताजी खत्म करने के लिए, जरूरियात पूरी करने की जिम्मेदारी किसकी है? बोले अल्लाह, अल्लाह की। वो कफील है, उसने सबको पैदा किया। जिस जिस शय की जरूरत है उसने उन चीजों को पैदा भी किया, और जितनी जितनी जरूरत थी उतना उतना पैदा किया। मसलन आप खाने पीने की चीजों से अगर शुरू करें तो खाने और पीने की चीजों में हमें जिस शय की सबसे ज्यादा जरूरत है उसका नाम है गल्ला। बोले जरा, जिम्मेदार लोग हैं ना आप सारे, तो जिम्मेदारों वाली बात की। खाने पीने की चीजों में सबसे ज्यादा जरूरत है अनाज की, गल्ला की। वो गंदम की शक्ल में हो या मकई की शक्ल में, उसकी जरूरत ज्यादा है। बनिस्बत फलों के, फल की जरूरत कम है, अनाज की जरूरत ज्यादा। इसलिए अनाज ज्यादा पैदा किया और फल काम। कई लोग ऐसे जो पूरा पूरा महीना फल के करीब भी नहीं जाते,
मगर अनाज सुबह नाश्ता भी करेंगे, दोपहर का खाना भी है, रात का खाना भी है, उसके बगैर गुजारा कोई नहीं। बल्कि सारा धंधा ही सारा इसलिए हो रहा है, रोजगार, जिनकी फसलें हैं वो पूरे साल के लिए दाने रख लेते हैं, जिनकी नहीं वो खरीद लेते हैं, जो पूरे साल के नहीं खरीद सकते वो महीने महीने बाद आटे का थैला जो कंदम से बनता है वो खरीद लेते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत हमें बोले ज्यादा है। तो अल्लाह ने पैदा भी ज्यादा किया। और अगर आगे चले, खाने पीने की चीजों में नमक की जरूरत ज्यादा है, तो नमक के अल्लाह पाक नमक पौधों से के साथ नहीं लगाए, नमक के पहाड़ बना दिए। सुभान अल्लाह। जाए ना कभी छूटा वो नमक देखे, जिंदगी सारी खातिर खत्म ही नहीं हो। तो अल्लाह पाक ने नमक के पहाड़ बनाए। कई लोग मीठा तैयार करें तो उसमें भी हल्का सा टेस्ट नमक का दे देते हैं, क्योंकि नमक की जरूरत ज्यादा। नमक के मुकाबले में आती है मिर्च, मिर्च की जरूरत कम है, उसके पहाड़ नहीं बनाए, वो छोटे छोटे पौधों के साथ लगाए। बिलखसूस सुर्ख मिर्च, वो तो खाते ही हम ही हैं पाकिस्तान वाले, बाहर की दुनिया में जाएं तो वो लोग सुर्ख मिर्च नहीं खाते, हम खाते हैं। इसलिए वो जितनी दैनी होती है उतने दैने हम सारे, बरकतें करामतें सुर्ख मिर्च की ज्यादा हमारे इधर। तो खैर ये अलग बात है, आगे चलते हैं। तो नमक की जरूरत कम है, उसके क्या बना दिए पहाड़। मिर्च की जरूरत कम थी, वो छोटे छोटे पौधों के साथ लगाए। मजीद अगर आगे चले, खाने की निस्बत भी सबसे ज्यादा जरूरत थी पानी की। ये अमीर भी पीता है, गरीब भी, माड़ा भी, तगड़ा भी, जवान भी, बूढ़ा भी, औरत भी, मर्द भी, बच्चा भी, हत्ता के जानवर भी पीते। इसलिए अगर इस जमीन के चार हिस्से बनाए जाए, एक हिस्सा खुश्की है और तीन हिस्से क्या है, पानी है। इतना ज्यादा पानी क्यों पैदा किया, क्योंकि इंसान को खाने की निस्बत भी पानी की ज्यादा जरूरत है। तो जितनी ज्यादा जरूरत थी, हम जितने ज्यादा इसके मोहताज थे, अल्लाह ने उतना ज्यादा पानी को पैदा कर दिया। ताकि ये जो खुश्की है इसके ऊपर आप रहते हैं, बोरिंग करवाए आप तो 100 फुट बाद नीचे से पानी जाता है, यानी हर जगह पानी है। इसको ज्यादा इसलिए पैदा किया कि इसकी जरूरत ज्यादा है, इंसान मोहताज ज्यादा इसमें। और अगर आगे बढ़े, एक और चीज भी है जरूरत पानी से भी ज्यादा, वो है सांस, ऑक्सीजन, हवा। अब ये जो मस्जिद का हाल है ये हमारा, अगर कोई ये दरवाजे बंद कर दे जो हमें बाहर ना निकलने दे, तो 2-3 दिन हम खाने और पीने के बगैर भी सिर्फ सांस के सहारे जिंदा रह सकते हैं। एक लम्हे के लिए ऐसे नाक बंद कर दे, मुंह बंद कर दे, सांस ना ले, 2-2.5 मिनट के अंदर आपका खात्मा हो जाएगा। सांस की जरूरत पानी की निस्बत ज्यादा है। गर्मियों के रोजे रखते हैं यार, 14-14 घंटे 15 घंटे रोजा रखते हैं तो पानी के बगैर, मगर सांस 14 घंटे सांस के बगैर नहीं गुजारे जा सकते। 2-2.5 मिनट उसके अंदर बंदे की वफात हो जाती है, उसकी जरूरत ज्यादा है। लिहाजा अल्लाह ने सांस को बाकी चीजों की निस्बत ज्यादा पैदा किया। अब ये जितनी चीजें मैंने नाम लिए हैं, ये इस जहां की जरूरत है जिसमें मैं और आप इस वक्त बैठे हुए हैं, जिसको दुनिया कहते हैं। और जहान सिर्फ एक ये नहीं है, सिर्फ एक यही अगर जहान होता तो सूरत फातिहा की पहली आयत में अल्लाह यूं फरमाता, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलम, यूं फरमाता कि सब तलीफे मुसल्ला के लिए जो एक आलम को पालने वाला है। लेकिन यूं नहीं फरमाया, ये भी नहीं फरमाया कि 2 आलमों का पालने वाला है, 2 जहानों,
بلکہ یوں فرمایا رب بولیا عالم. آپ کے اس علاقے میں اتھینٹک پڑھے لکھے عالم دین علامہ قمر عباس بغدادی صاحب بیٹھے ادب کے مائر, ان سے پوچھ لینا عالمین کا اطلاق کس پر ہوتا ہے. جب لفظ بولا عالمین اس میں اتنی گنجائش سپیس آ گئی کہ سو بھی عالم ہو سکتے ہیں جہان, ہزار جہان بھی ہو سکتے ہیں, لاکھوں بھی ہو سکتے ہیں, کروڑوں بھی ہو سکتے ہیں, اربوں بھی ہو سکتے ہیں, کھربوں بھی ہو سکتے ہیں. واہ سبحان اللہ. اس لیے اس نے فرمایا جتنے بھی جہان ہیں سب جہانوں کا رب کون ہے؟ اللہ. اللہ. اگلی بات بتا کہ جس کھانے پینے کا ذکر ابھی میں نے کیا ہے, کھانا گندم گندا پھل فروٹ سبزیاں نمک مرچ, یہ ساری چیزیں ضرورت اس جہان کی ہیں, قبر کی کو نہیں ہوں. کوٹیاں کارے ڈالر پاؤنڈ یہ اس جہان کی ضرورت ہے, قبر کی ضرورت نہیں. قبر کی ضرورتیں اپنی ہوں گی, وہ تو پھر ہم جائیں گے تو پتہ چلے گا نا, ویسے آپس کی بات ہے, جانا ہے کوئی نہیں جانا ہے. اتنی ضرورت ہوگی جن چھ کی, جن 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 چیزوں کی, اللہ نے چیزوں کو قبر کے اندر اتنا اتنا وہ مہیا کرے. پھر اگلا ایک جہان ہے, یعنی ہم آئے ہیں جس جہان سے زندگی شروع ہوئی اس کا نام ہے عالم ارواح, وہاں کی ضرورتیں اپنی ہیں تو وہ بھی ضرورتیں کس لیے پوری کرنی ہیں. وہاں سے نکلے تو عالم ارحام, ماں کے پیٹ میں آ گئے. یسبحکم فی الارحام, ماں کے پیٹ میں آ گئے. ماں کے پیٹ میں اپنی ضرورتیں, تو جن جن چیزوں کی ضرورت ہے جتنی جتنی ضرورت ہے اس نے اتنی اتنی مہیا کی ہے. ماں کے پیٹ سے نکلے تو یہ جو جہان ہے جس کو کہتے ہیں عالم ناسوت, ادھر آ رہا ہے. یہاں کی ضرورتیں میں نے گنوا دی. یہاں ایک دروازے سے گزرے کہ کل نفس ذائقہ الموت, تو عالم برزخ میں چلے جائے گا, قبر والا عالم. وہاں کی جو جو ضرورتیں جتنی جتنی ضرورتیں اللہ پاک نے ہی پوری کرنی ہے, اور جتنی جتنی ضرورتیں ہیں اتنا اتنا ان چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا. وہاں سے اٹھیں گے عالم معاشر میں چلے جائیں گے. بولے عالم معاشر, جس کی تمامت قرآن نے بیان کی 50,000 سال. وہاں بھی کچھ چیزوں کی ضرورت ہوگی, جتنی ہوگی اللہ نے پیدا کی. وہاں سے پھر دو رستے نکلیں گے, ایک چلے جائے گا جنت, ایک چلا جائے گا جہنم. ایک رستہ کدھر جائے گا؟ جنتیو بولو کدھر جائے گا؟ اب اگلا نہیں کہوں گا کہ جہنمیو بولو, تو دوسرا رستہ کدھر چلا جائے گا؟ جنت کی اپنی ضرورت ہے, دوزخ کی اپنی ہو. جتنی جتنی ضرورتیں, جن جن چیزوں کی ضرورتیں اللہ پاک نے ان چیزوں کو اتنا اتنا وہاں پیدا کیا ہوگا. آپ دیکھیں زندگی عالم اربعہ سے شروع ہوئی ہے, ختم کسی ایک جگہ پہ نہیں. جب اللہ نے زندگی دے دی اس کے بعد خاتمے کی بابا باتیں جانے دو, پر جہان چینج ہوتا ہے زندگی ختم نہیں ہوتی. جو میں بات بتا رہا تھا جن چیزوں کی ضرورت اس دنیا میں ہے عالم برزخ میں نہیں, جن کی عالم برزخ میں عالم معاشر میں نہیں ہوگی, جن کی عالم معاشر میں ہے ان کی ضرورت ماں کے پیٹ کے اندر کوئی نہیں. یہ بات سمجھ گئے؟ مگر سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 نے بڑی پتے کی بات کی, رحمت للعالمین. ایک چیز ایسی ہے جس کی ضرورت ہر جہان میں, اس کا مطلب ہے ہر جہان اس کا محتاج ہے. اس شہر کی ضرورت عالم ارواح میں بھی ہے, وہ بھی اس کا محتاج. اس شہر کی ضرورت عالم ارواح کے عالم ملکوت میں بھی ہے, فرشتے بھی اس کے محتاج. عالم
लाहूत भी उसका मोहताज, आलम अहूत भी उसका मोहताज, आलम अरहाम के अंदर पलने वाला बच्चा वो भी उस शहर का मोहताज, आलम नासूत वाले भी उस शहर के मोहताज, आलम बरज़ख वाला कब्र के अंदर जो बंदा वो भी उसका मोहताज, उसको भी उसकी जरूरत, आलम माशर वालों को भी उसकी जरूरत, जन्नतियों को भी जरूरत, दोज़खियों को भी जरूरत, हर जहान उसका मोहताज है, हर जहान को उसकी जरूरत है। तो जिस शहर की हर जहान को जरूरत है उस शहर का नाम है अल्लाह की रहमत। अल्लाह वजह के साथ बोले अल्लाह की रहमत, रहमत रहमत दा दरियाए ना हाल दम बगदा दे जे एक कतरा बख्शे में तू कम बन जाता मेरा। अल्लाह की रहमत की जरूरत हर जहान को है, आलम अरवा भी अल्लाह की रहमत का मोहताज, आलम लाहूत भी अल्लाह की रहमत का मोहताज, आलम मलकूत भी अल्लाह की रहमत का मोहताज, आलम अहूद भी अल्लाह की रहमत का मोहताज, आलम नासूत भी अल्लाह की रहमत का मोहताज, कब्र वाला भी अल्लाह की रहमत का मोहताज, माशर वाला भी अल्लाह की रहमत का मोहताज, जन्नत वाला भी अल्लाह की रहमत का मोहताज, हत्ता के दोज़ख वाला भी अल्लाह की रहमत का मोहताज। जब मोहताजी उस शहर की इतनी बड़ी है तो अब जरूरी है वो चीज सिर्फ ख्यालों ख्यालों में ना रहे बल्कि उस चीज को वजूद भी मिले, ताकि उस वजूद के करीब होने को दिल करे, सुभान अल्लाह, उस वजूद तक रसाई हासिल करने को दिल करे, उस तक बंदे की अप्रोच हो ताकि रहमत का फैज मिले। अल्लाह ने फिर अपनी रहमत को वजूद दिया, जैसे उसने किसी शहर को वजूद दिया तो वो चांद बन गया, किसी को वजूद दिया तो सूरज बन गया, किसी शहर को वजूद दिया तो पानी बन गया, किसी को वजूद दिया तो नमक बन गया, किसी को वजूद दिया तो समय, किसी को वजूद दिया तो आसमान। जब उसने अपनी रहमत को वजूद दिया ताकि लोग उस वजूद के करीब हो, उस वजूद की ज़ियारत की दुआ किया करे, उसने अपनी रहमत को वजूद दिया, उस वजूद का नाम बन गया आमना के नाम मोहम्मद मुस्तफा। अल्लाह अकबर।